touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. But we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. At least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अपने कुछ प्लांट्स पर और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके प्लांट जो हैं वो हेल्दी रहेंगे गर्मियों में भी। इस तेज़ धूप में आप देख सकते हैं कि आपके प्लांट्स जो हैं वो जल रहे होंगे और आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं सारे ग्रीन हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे प्लांट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे प्लांट्स भी जल रहे थे धूप से और पत्तियाँ और फूल सारे धूप की वजह से ख़राब हो रहे थे। तो मैंने ग्रीन नेट प्रोटेक्शन यूज़ करा, मतलब अपने टेरेस पे ग्रीन नेट प्रोटेक्शन मतलब ग्रीन नेट लगाया और कुछ स्पेशल ट्रिक्स अपनाई जिससे मेरे प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हैं और वो अच्छे से फ्लावरिंग और ग्रीन हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्लांट्स में मेरे कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे जो टेरेस में, ये दूसरी टेरेस है मेरी घर के सामने, सामने मेरी बिल्डिंग है, इसके सामने ये मैंने नीचे नेट लगा रखा है और ऊपर वाली टेरेस पे भी मैं नेट लगवा रहा हूँ अभी। तो नेट लगाने से होता है आपकी प्लांट्स पे रोशनी पड़ती है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वो आधी पड़ती है। नेट तीन चार तरीके के अवेलेबल होते हैं, 90%, 50% और 20%। 20% नहीं ठीक होता है, 50% बिल्कुल ठीक है। यूपी के टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप जयपुर में रहते हैं और आपके पास ऐसे प्लांट्स ज़्यादा धूप नहीं चाहते हैं तो उनमें आप 90% भी लगा सकते हैं। तो मैंने 50% लगाया है धूप के हिसाब से और इस छत पे मेरे सारे एडेनियम ही रखे हैं, तो एडेनियम के हिसाब से मैंने 50% लगा रखी है। और नेक्स्ट जो मेरी टेरेस है उस पर मैंने थोड़ी 50% के ऊपर ही लगा रखी है। सेकेंड दूसरी बात है हमारी कि हम मल्चिंग किससे करते हैं। ये मल्चिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है समर्स में, गर्मियों में, कि आप मल्चिंग किससे कर रहे हैं। आप मेरे प्लांट देख सकते हैं ग्रीन क्यों हैं। तो मल्चिंग जो है वो मैं अभी थोड़े बहुत सैंड डाल देता हूँ या फिर थोड़े बहुत ब्रिक्स डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स मैंने डाल रखे हैं, ये मतलब कॉन्क्रीट वाले हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी टेरेस पे, जो कंस्ट्रक्शन में लगते हैं ब्रिक्स, छोटे छोटे स्टोन्स हैं ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मार्बल्स हैं एक्यूरम के निकले हुए हैं ये भी, और ये है राइस हस्क, इससे भी मल्चिंग कर देता हूँ। ये छोटे छोटे पैकेट हैं, इनमें एडेनियम लगे हैं, इन पे भी मैं मल्चिंग कर देता हूँ राइस हस्क से। तो आपका तेज़ धूप का फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये जो नया फूल निकला इसकी जो पत्तियाँ हैं वो जल गई। ये कैसे होता है कि आपने अगर सुबह सुबह पानी दे दिया अपने प्लांट्स में और प्लांट में कुछ साइडों में पानी रह गया तो जो पानी है वो तेज़ धूप से जलेगा, उस वजह से उतने बीच की लीफ है वो ब्राउन पड़ जाएगी। तो ये जो पानी होता है वो आप दोपहर के बाद ही दे, मतलब धूप जब ख़त्म हो जाए शाम के टाइम, जब अंधेरा होने चलता है तभी आप पानी दे दें और वो सबसे बढ़िया रहता है आपके प्लांट्स के लिए। तो आपकी ऐसे ये पत्तियाँ नहीं जलेंगी। और आप ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकते हैं पानी। नेक्स्ट वीडियो पर मैं इसी पे बात करूँगा और चलिए इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, सेकंड पार्ट। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।